अमिताभ जी आए और मिले और उन्होंने बोला कि एक फिल्म है और कुछ कहानी सुनाने लगे। मैंने कहा सर एक मिनट रुक जाओ, आई एम डूइंग योर फिल्म, चाहे 5 दिन का काम हो, चाहे 4 दिन का हो, 6 दिन का हो, आई एम डूइंग दिस फिल्म। और दूसरी चीज ये एक और है कि आई थिंक चिल्ड्रन, बिकॉज यू नो स्पेशली व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड फॉर देम, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। सो एक वो बहुत बड़ा रीजन था मेरा कि बच्चों की फिल्मों को मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि जितना सपोर्ट कर सकूँ। हम लोग बाकी साल अपनी दूसरी फिल्में करते रहते हैं। देखिए जैसा हम सब लोग जानते हैं कि सफारी जो है वो जब हम प्रकृति में या जंगल में या ऐसे जब एक जाते हैं तो उसको हम सफारी के तौर पे कहते हैं। हमारी फिल्म की कहानी एक्चुअली ये है कि स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं और वो गाड़ी में ड्राइवर को थोड़ा सा वो मतलब ज़िद करते हैं शॉर्टकट लेने के लिए। तो हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म में किरदार अलग होता है और हर फिल्म में लाइनें अलग होती हैं, सब कुछ होता है। ये एक ऐसा किरदार था, हमने फिल्म में एक ऐसा किरदार जो जंगल के अंदर है, शायद बहुत सालों से ये जो है वो बाहर की दुनिया से दूर आ गया है और उसने अपनी एक दुनिया बसाई है। तो एक ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स करने का कहाँ है रोज़ रोज़ मौका मिलता है, तो एक वो है। प्लस एक दोस्त के लिए फिल्म की है और एक दोस्त का अटेम्प्ट था कि एक बच्चों के लिए एक अच्छी फिल्म बनाए जो कहीं ना कहीं कुछ आपको सिखा के भी जाए। और फिल्म है तो एडवेंचर बहुत ज़रूरी है फिल्म के अंदर, बच्चों की फिल्म है तो उनको जब तक आप बांध के नहीं रखेंगे और उनको एंजॉय नहीं कराएंगे, उनको थ्रिल्स नहीं देंगे, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी।